हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट 12th क्लास फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, यानी कि रुके हुए चार्ज के बारे में हमें इसको पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिर आएगा यूनिट्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ चार्ज की। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर जो मैटर है वो एटम से बना है, क्लियर। और एटम एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं। 11th क्लास में पर हम जाते हैं पीछे, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मैसिव बॉडीज जब सम डिस्टेंस के ऊपर रखी जाती है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हमने क्या दिया, दो प्रोटॉन को लिया और उनको 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखा, सपोज करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर उनको अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन यह पाया गया कि वो रिपेल हो गए। इसका मतलब उनके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगा और उस एडिशनल फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम जो कहानी थी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोहराई गई, इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल हुए उसी सेम फोर्स से, जिसको आपने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दिया, क्लियर। तो यहां से क्या होता है, चार्जेस की उत्पत्ति होती है। तो वास्तव में चार्ज है क्या, चार्ज जो है वो एक मैटर्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो हम चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच they can produce or experience electrical and magnetic effects. This is the definition of charge. The excess or deficiency of electrons gives rise to the concept of charge. यानी कि चार्ज का कंसेप्ट आया कहां से? तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं या डेफिशिएंसी है उनकी, अधिकता है या उनकी क्या है, कमी है। मान लो कि कोई बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ओवरऑल जो एटम होता है क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम होता है। लेकिन अगर मान लो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल दें, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज ही चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये चार्जेस की टाइप्स है, ये कन्वेंशनली है, पारंपरिक रूप से हमें इनका नाम दे दिया कि भाई प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, कन्वेंशनली है। ऐसे इनका कोई एक्सिस्टेंस, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि स्पेशल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यों होते हैं, कन्वेंशन पीछे से चले आ रहे हैं, नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी बॉडी, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज हो गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। नेगेटिव चार्ज
इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अधिकता हो जाएगी तो क्या रहेगा उसके अंदर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या माना गया है? नेगेटिव चार्ज. अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, तो जो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम. कूलम एक साइंटिस्ट था. अगर आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का लॉ दिया था, तो उसके नाम पे ही इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर एंड फैराडे. दो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं लार्ज स्केल के ऊपर. अगर हम लेते हैं तो एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम, यानी कि एक एम्पियर आवर में कितने कूलम होते हैं? 3600 कूलम होते हैं, ठीक है. एंड वन फैराडे, एक फैराडे के अंदर कितने होते हैं? 96,500 कूलम होते हैं, ठीक है. तो ये बिगर यूनिट है, बड़ी यूनिट है. कई बार पूछ लेते हैं कि सीजीएस यूनिट बताओ, तो सीजीएस यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है स्टैट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3×10^9 स्टैट कूलम, यानी कि 1 कूलम में इतने स्टैट कूलम होते हैं. क्लियर? देखो भाई, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली सभी ने, और टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ ली. दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक्सेस में है, ठीक है, तो बॉडी क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी, ठीक है. और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसमें एक्सेस में कौन होंगे? प्रोटॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? डेफिशिएंसी होगी, कमी में होंगे. तो थर्ड जो है इसके अंदर, ये वाला कक्षा का अपना क्लियर हो गया था. यूनिट्स ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है. सीजीएस क्या होती है? स्टैट कूलम. और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, बिगर यूनिट, वो कौन सी होती है? एम्पियर आवर, और दूसरी कौन सी थी? फैराडे. क्लियर है? अच्छा भाई, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो हमारा अगला जो हेडिंग है वो रहेगा प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी, तो अभी आपने किसके बारे में पढ़ा था? यूनिट के बारे में पढ़ा था. यूनिट के बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की. चार्ज की विशेषताएं क्या क्या है, चार्ज के गुण क्या क्या है. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज की स्केलर क्वांटिटी. 11th में जाओ आप इसे एक बार ध्यान करो. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी. स्केलर क्या होती है? रिपीट कर देता हूँ एक बार, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, जैसे फोर्स था, एक्सीलरेशन था. क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. अगर हम इनको ऐड करना चाहें, मान लो, सपोज करो कि हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर 3 या 4 पार्टिकल है आपके पास. पहला जो पार्टिकल है इसके पास मान लो -2 कूलम चार्ज है, दूसरे पार्टिकल के पास भाई 4 कूलम चार्ज है, तीसरे पार्टिकल के पास 9 कूलम चार्ज है, और ये जो आपके पास फोर्थ है इसके पास मान लो -3 कूलम चार्ज है. मैं पूछूं इस पूरे सिस्टम का चार्ज बताओ क्या है? तो पूरे सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी जो पार्टिकल्स उनके चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा, नॉट वेक्टरली. कैसे ऐड करेंगे? एल्जेब्रिकली, यानी कि Q1+Q2+Q3 एंड सो ऑन. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है. यानी कि टोटल चार्ज क्या आएगा? Q=Q1+Q2+Q3+Q4. तो Q=Q1/-2 कूलम, ठीक है. प्लस में आपके पास में ये कितना है? 4 कूलम चार्ज. तीसरे के पास कितना है? 9 कूलम चार्ज. और चौथे के पास कितना है? -3 कूलम चार्ज. इसको कर लेंगे, ठीक है. तो माइनस के कितने हो गए भाई? 5 हो गए, और ये कितने हो गए? 13 हो गए. तो 13 प्लस के और 5 किसके? माइनस के. कितने बचे? 8 कूलम चार्ज. तो हमने इसको कैसे जोड़ा?
अलजेब्रिकली जोड़ा, वेक्टरली नहीं जोड़ा, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो ये मेरे पास कोई एक बॉडी है चार्ज बॉडी, और ये मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है मेटलिक बॉडी है। जैसे मैं इस चार्ज बॉडी को इसके कंटेक्ट में लेके आऊंगा तो क्या होगा, चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज का संबंध किससे है, मास से है। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, चार्ज के ट्रांसफर होने से। एक्चुअल में ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक बार सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से बात करते हैं, मैंने कहा कि ट्रांसफरेबल है, तो एक्चुअल में ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो जिसके अंदर गए उसमें इलेक्ट्रॉन जाता होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए, और जिसमें से गए उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। क्लियर? तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए तो इलेक्ट्रॉन का कितना क्या होता है, मास होता है, तो मास की ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ही हुआ लेकिन साथ में मास भी ट्रांसफर हुआ, इसलिए मैंने लिखा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अब बहुत ही सिंपल है, मान लो दो बॉडी आपके पास, बॉडी ए और बॉडी बी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, किसका मास ज्यादा होगा अगर इनकी शेप और साइज सेम है, आइडेंटिकल है पहले से, लेकिन एक को चार्ज नेगेटिव कर दिया, एक कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें है, नेगेटिव वाले में, तो इसलिए इसका मास क्या होगा, ज्यादा, यानी कि मास ऑफ ए ग्रेटर देन होगा मास ऑफ बी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पर मास हो वहां पर चार्ज एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसका पर मास होता ही नहीं होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, तो इस बात को इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़े, चार्ज एसोसिएटेड विद मास मतलब चार्ज जहां पर एग्जिस्ट करेगा वहां पर क्या हो सकता है, मास, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास वाली बॉडी के ऊपर क्या हो, चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझे, क्वांटाइज्ड। मान लो कि हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज मींस स्मॉलेस्ट चार्ज, और स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है इस नेचर के अंदर वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ गुना। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज ई, ई मींस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ गुना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, इस प्रॉपर्टी के अनुसार द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज, मींस क्यू इज इक्वल टू एनी, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो सकता है
वो वन ही हो सकता है, टू ही हो सकता है, थ्री हो सकता है, एंड सो ऑन। इंटीजर है तो हम यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यहाँ पे q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज, और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक चार्ज को, और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इंटीजर को। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 32 माइक्रोकूलम चार्ज है, 32 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके ऊपर, बताओ उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, नेगेटिव है तो गेन किए और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को, इफ ए बॉडी हैव 32 माइक्रो कूलम चार्ज देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द बॉडी और लॉस्ट बाय द। तो यहाँ पर Q की वैल्यू दे दी, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन में खुद दिया है कितना भाई, 32 माइक्रो कूलम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, इसको माइक्रो में था कूलम में चेंज कर दिया, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6, और अगर मिली होता तो 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, नैनो होता तो 10 टू पावर माइनस 9 और पिको होता तो 10 टू पावर माइनस 12। क्लियर? तो यहां पर जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक बॉडी के पास कुल चार्ज कितना है, 32 माइक्रो कूलम। सबसे पहले हमने क्या किया, 32 को किस में चेंज कर लिया भाई, कूलम में, 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इंटीजर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर n जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 1e 2e 3, अभी तो बताया था। तो हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू चाहिए, फार्मूला आपके पास है, q is equal to ne, तो n is equal to क्या आ जाएगा भाई, n is equal to तो q1e। Q की वैल्यू कितनी है, 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और E की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, 20 आ गया, यहां काटेंगे सब, तो आ गया 20 इंटू 10 टू पावर, देखो माइनस 6 था ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के तो 19 और माइनस का 6, कितने बचे भाई, 10 टू पावर 30, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके ऊपर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपको नोट करवा देंगे अभी, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always equal to the integral multiple of the basic charge. What is basic charge? E. E means charge on an electron. This is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Clear है? कभी-कभी क्या करेगा? Question के अंदर आपको n की value दे देगा कि इतने electron transfer हुए तो total charge बताओ। मैं कहूँगी भाई 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसी बॉडी के अंदर,